फर्स्ट अपना मैंने ब्लॉग शूट करना शुरू किया, सुबह सुबह मैंने ब्लॉग शूट किया था तो वो मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग मुझसे गलती से हो गया डिलीट। मैं पहले दूध लेके आऊँगी फिर करूँगी डिनर की तैयारी, और ये दूध वाला पतीला अकेला यही वॉश करके लेके जाऊँगी और बाकी बर्तन तो आके ही साफ करूँगी। तो चलिए फटाफट से लेके आते हैं दूध, और टाइम 8 बज गई है, मैंने पैसे कहाँ रखती है। और रहते तो वो आके क्लीन कर लूंगी क्योंकि पहले दूध ले आते हैं, और उसके साथ मैं सब्जी भी लेके आऊंगी। तो सब्जी अभी क्या लेके आएंगे, कुछ भी नहीं अभी से पूछती हूँ, क्या सब्जी लेके आए, क्या सब्जी लेके आए, कुछ भी। चलो ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इनको कोई स्पेशल मन नहीं है। और तो बस यही देख दूर तू कितने हो गए टोटल, क्या लेके आए हो आप साथ में पीने के लिए, क्या लेके आए थे, फ्रूटी वो दूर लेके आया था, फ्रूटी चॉकलेट बिगाड़ के पापा क्या करे ना, मतलब से आपको लेके नहीं जाऊंगी, मैं सोचती थी आपको लेके चलूं शाम के टाइम में एक बार, हैं हैं वो देखिए मुझे ही मार रहा है, देखो भाई ध्रुव देखो सभी को सभी देखो, स्पाइडर ओय ओय स्पाइडर गन कैसे उड़ता बेटा, ज़्यादा गर्मी थी भयंकर वाली गर्मी, और अभी आई हूँ मैं जस्ट बाहर से तो मैंने सोचा 2 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, और जो भी मैं वेजिटेबल लेके आई हूँ उनको वॉश करूँगी, और दूध मेरा गर्म हो रहा है, गर्म होने लग गया अभी, और जो भी वेजिटेबल तो ये देखिए लौकी लेके आई थी, ये मिली मुझे 20 रुपये के जी, 20 रुपये, और मेरे को ये सबसे अच्छी लगती है, अगर मलाई वगैरह डाल के बनाऊँ बहुत अच्छी बन जाती है, साथ में मैं लेके आई थी थोड़ी मस्त और आलू। और 1 kg में प्याज लेके आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ, इनको अच्छे से वॉश करके मैं फ्रिज में लगाऊंगी, दूध मेरा गर्म हो रखा है, थोड़े से बर्तन क्लीन करूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। क्या नहीं करता हूँ क्यों, सब्जी वगैरह लाने के बाद मेन काम यही रहता है कि सब्जी को ऑर्गेनाइज भी करना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे आलू प्याज की जो टोकरी रखी हुई है ना मैं इसमें रख देती हूँ, और कभी कभार मैं ना फ्रिज में भी रख देती हूँ, आप सोचोगे फ्रिज में क्यों रखती हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन या 3 दिन के लिए ही लेके आती हूँ जितनी सब्जी, और ये बस मैं इसके अंदर टोकरी के अंदर रखे अंदर ऊपर रख देती हूँ स्लेब पे। और अभी एक बार खाना बनाने से पहले अभी को दे रही हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी बना के, क्योंकि उन्होंने ना कॉफ़ी चाय पी हुई काफ़ी टाइम हो गया, और गर्मी तो बहुत है लेकिन फिर भी जैसे काम करते तो थकान फील होती है ना, तो उस हिसाब से चाय भी अच्छी लगती है, और ये काम करे अपनी शिफ्ट चल रही है इनकी तो अभी बस, और ये वाली बेडशीट देखिए इसका कलर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट कलर लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छी है, स्पेशली गर्मी के टाइम में तो लाइट वेट जो होते हैं ना बेडशीट वही अच्छी लगती है। और कॉफ़ी मैंने बना दी बस, बना के अभी मैं करूँगी सब्जी की तैयारी, लाइट गई हुई है लेकिन यहाँ पे तो जैसे इन्वर्टर लगा था तो उससे पता नहीं चलता, कूलर चल नहीं रहा वरना कूलर भी चला लेते। और यहाँ पे अभी बस जस्ट चाय वगैरह बना के मतलब कॉफ़ी बनाई थी अभी के लिए, उसके बाद मैं करती हूँ सब्जी की तैयारी,
तो ये वाली सब्ज़ी मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इसमें मलाई वगैरह डाल के बनाओ, देसी घी का तड़का लगाओ, तो और भी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। सिंपल सी सब्ज़ी होती है लेकिन अलग ही इसका टेस्ट आता है अगर इस तरीके से बनाते हैं तो। और ये वाला सब्ज़ी का तरीका मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से सीखा था, वो बहुत ही अच्छे से बनाते हैं और ऐसे मेरी सास भी बनाती थी, तो मैंने दो लोगों से सीखी ये वाली सब्ज़ी बनानी सीखी है। और कटिंग करते करते मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने डायरेक्ट सीधी दिखा दिया आप लोगों को। और यहाँ पे मैं ना डालने वाली हूँ इतनी सारी हरी मिर्ची कट करके, लाल मिर्ची नहीं ऐड करूँगी, हरी मिर्ची डालो और लहसुन डालो, वाह भी वाह क्या टेस्ट आता है सब्ज़ी का। और ऊपर से मैं डालूँगी इसमें मलाई, और ये देखिए मेरा छोटा सा कुंडी और सोटा इसमें कूट के डालेंगे। और यहाँ पर मैंने कुकर ये लगा दिया है, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, साथ में बस जल्दी से हरी मिर्ची कट करके इसमें ऐड करनी है, लहसुन ऐड। तो चलिए गाइज फटाफट से यहाँ पे मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। और कौन कौन इस तरीके से सब्ज़ी बनाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी प्यारे प्यारे कमेंट करेगा आज से मैं एक अच्छा सा एक मतलब वीडियो बनाऊँगी, जो भी लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनका नाम लूँगी एक वीडियो में, जो भी मुझे अच्छे कमेंट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी वाले कमेंट करते हैं और जिनका कमेंट सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोगों पे एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे लोग की सब्ज़ी बनाते हो ना, तो उस टाइम मुझे जैसे कि डिलीवरी टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा खाई हुई थी, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छी लगती थी और सास बना के देती जैसे घी डाल के और दूध मलाई डाल के, तो वो वाली सब्ज़ी आज भी मतलब वो टेस्ट अभी भी है, तो उसी तरीके से अभी मैं बना रही हूँ अभी भी। तो चलिए गाइज फटाफट से बना लेती हूँ और ज़्यादा बात ना करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से रेसिपी वगैरह शेयर करो ना तो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन साथ में बात करते करते अगर काम करो तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किसने बनाई है और किसको इसी तरह बनाना पसंद है। तो चलिए आप भी देख लीजिए कि मैं किस तरह से बनाती हूँ लौकी की सब्ज़ी। और आज मैंने यहाँ पे देसी घी का तड़का लगाया है, हरी मिर्च जीरा डाल के अच्छे से पका लिया, उसके बाद लौकी ऐड कर दी है और उसके बाद जो बेसिक से मसाले होते हैं हल्दी धनिया वो डाल के अच्छे से बिल्कुल सूखी सब्जी में सिट्टी लगवाएंगे, उसके बाद इसमें मलाई और दूध ऐड करेंगे। एक बार दूध ये मतलब एक किलो और लेके आते हैं अलग से, और इस साइड ये हो रखी है मलाई वाली सब्जी बन के तैयार। और ये देखिए यहाँ पे आटा लगाना है, अभी मैं फटाफट से इनको रोटी खिला देती हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़े से बचे हुए चावल, और ये था एक लौकी की सब्जी जो आंटी ने दी थी दोपहर को कोफ्ते। तो अभी ये चीज़ भी नहीं सीख गया, देखो ध्रुव फ्रिज बंद करो बेटा, अभी ये चीज़ भी नहीं सीख गया। देखिए आइसक्रीम लाए इसके लिए इसके चाचू, और ये देखिए आधा डब्बा तो पहले ख़त्म कर चुका है और आधा ये कौन लेके आया, ऊपर दिखाओ मेरे को, ऊपर बताओ 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 कौन लाया। चलो उधर बैठ के खा लो, ये देखो नई चीजें। और मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। तो गाइस अभी बस जस्ट मेरा काम क्या हुआ है, अभी बस सब्जी बन गई है और आटा मैं लगा रही हूँ, और अभी अभी भी बस चपाती बनानी रहती है। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, और आप लोगों से मिलूँगी एक नेक्स्ट और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, और प्यारे प्यारे पॉजिटिव एनर्जी वाले कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्रुव बाय बोल दो सभी को, ध्रुव बाय। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं एक नेक्स्ट। सोच लगा के दे दू, चलो सबको बाय बोल दो फिर, बाय। चलिए बाय। तो मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। एक इधर है, अच्छा तू शादी करवाएगा क्यों? चाची सागे शादी तो चाची के साथ तो काका की करेंगे ना, मम्मी तू करेगा चाची सागे। हाँ। पहना है।
हाँ।